हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बेसबॉल के बारे में और हम आपको बताएंगे बेसबॉल के कुछ रूल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, बेसबॉल की शुरुआत 1744 में इंग्लैंड से हुई थी। पहला बेसबॉल गेम इंग्लैंड के एक काउंटी सरे में 1749 में खेला गया था, जिसमें कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी एज अ प्लेयर खेला था। जैसे जैसे इंग्लैंड के लोग कनाडा शिफ्ट होते गए, वैसे वैसे बेसबॉल भी इंग्लैंड से कनाडा चला गया। फिर कनाडा से ही वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंचा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहला रिकॉर्डेड बेसबॉल गेम 1791 में खेला गया। उसके बाद से आज तक बहुत सारे देश बेसबॉल खेलते हैं, पर प्रमुख रूप से इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और जापान में ज़्यादा खेला जाता है। बेसबॉल खेल का मेन ऑब्जेक्टिव है अपने ओपोनेंट टीम से ज़्यादा स्कोर बनाना। जो टीम 9 इनिंग्स के बाद ज़्यादा स्कोर बनाती है वो मैच जीत जाती है। बेसबॉल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक पिचर होता है जो कि बैट्समैन की तरफ बॉल को थ्रो करता है, जैसे क्रिकेट में बॉलर होता है। पर बेसबॉल में बिना किसी टप्पे के पिचर को बैट्समैन तक बॉल को थ्रो करना होता है। इसमें एक कैचर भी होता है जो कि बैट्समैन के पीछे खड़ा होता है, जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर। बेसबॉल के इनर फील्ड में 4 बेस होते हैं। एक बेस में बैट्समैन और उसके पीछे कैचर खड़ा होता है, बाकी 3 बेस में 3 बेसमैन खड़ा होता है। बेसमैन के साथ ही बैटिंग टीम के रनर्स भी खड़े होते हैं। बेसमैन के साथ उनकी हेल्प करने के लिए इनर फील्ड में एक शॉर्ट स्टॉप भी खड़ा होता है, जो कि कैच पकड़ता है या फिर बॉल को थ्रो करके बेसमैन तक पहुँचाता है। और आउटर फील्ड में 3 और प्लेयर खड़े होते हैं, जो कि कैच पकड़ने के लिए या फिर ग्राउंड फील्डिंग करने के लिए खड़े होते हैं। हर एक बेस में कम से कम 90 फीट की दूरी होती है। पिचर्स माउंड, मतलब जहां से पिचर्स बॉल को थ्रो करता है बैट्समैन की तरफ, उसकी दूरी होम प्लेट यानी जहां पे बैट्समैन खड़ा होता है उससे 60 फीट की होती है। अगर किसी बैट्समैन ने 3 बार लगातार बॉल को मिस किया और वो बॉल हिटिंग एरिया के अंदर है तो बैट्समैन को आउट माना जाता है। पर अगर किसी पिचर ने 4 बार बॉल को हिटिंग एरिया के बाहर फेंका, जैसे कि क्रिकेट में वाइड बॉल होता है, तो बैट्समैन को फ्री का रन मिलता है और एक बेस से दूसरे बेस तक बैट्समैन वॉक करके जाता है। बैट्समैन की कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितनी जोर से हो सके वो बॉल को हिट करे और बॉल हमेशा फाउल लाइंस के अंदर ही रहे। बॉल को हिट करने के बाद ही बैट्समैन अपना बैट बेस पर ही छोड़कर फर्स्ट बेस की ओर भागता है। जब तक कोई फील्डर बॉल को पकड़ के बेसमैन की तरफ नहीं फेंकता, तब तक आप जितने चाहे बेस को कवर कर सकते हो और आपको उतने रन मिल जाएंगे। जैसे कि बैट्समैन बॉल को मारने के साथ ही अपने होम प्लेट से फर्स्ट बेस की तरफ जाता है, वैसे ही फर्स्ट बेस का जो रनर होता है वो सेकंड पे जाता है, सेकंड का थर्ड पे जाता है और थर्ड का होम प्लेट पे आता है और उसकी बैटिंग होती है। पर अगर एक रनर बेस में पहुंचने से पहले बॉल बेसमैन के हाथ में आ जाती है तो रनर आउट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक रनर फर्स्ट बेस से सेकंड बेस की तरफ भाग रहा है। रनर सेकंड बेस में पहुंचने से पहले ही कोई फील्डर बॉल को थ्रो करके सेकंड बेसमैन के हाथों में पहुंचा देता है और सेकंड बेसमैन उसे कैच कर लेता है तो रनर आउट हो जाता है। अगर कोई बैट्समैन बॉल को बहुत तेज हिट करके डायमंड एरिया से पार करा के ऑडियंस तक पहुँचा देता है तो उसे होम रन कहते हैं, यानी कि उसको पूरा रन मिल जाता है। और अगर सारे बेसिस पे रनर मौजूद है तब बैट्समैन होम रन मारता है तो उसे ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। अगर बैटिंग टीम के 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो उनकी इनिंग्स ख़त्म हो जाती है और दूसरे टीम की इनिंग शुरू हो जाती है। एक मैच में हर एक टीम 9 इनिंग्स खेलती है। अगर कोई मैच 9 इनिंग्स के बाद टाई हो जाता है तो एक्स्ट्रा इनिंग्स खेला जाता है। उस एक्स्ट्रा इनिंग्स में जो ज़्यादा रन मारता है वो मैच जीत जाता है। अब बात करते हैं प्लेयर्स के इक्विपमेंट्स की। बेसबॉल का बैट या तो लकड़ी का या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ होता है और बेसबॉल का बॉल सफ़ेद होता है और उसमें रेड कलर की स्टिचेस होती है और इस बॉल का डायमीटर 3 इंचेस होता है। फील्डिंग टीम के प्लेयर्स कैच करने के लिए एक टाइप का ग्लव पहनते हैं, जिसको कि मिट्स बोला जाता है। और जो कैचर होता है, जो बैट्समैन के पीछे खड़ा होता है, वो एक एक्स्ट्रा पैडिंग ग्लव पहनता है, लेग गार्ड पहनता है, बॉडी पैड पहनता है और हेलमेट पहनता है। और बैट्समैन का भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रूल्स और जानकारी बेसबॉल के बारे में। और खेलों के रूल्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों।